हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे यूनिट 3 से स्टार्ट, जो कि है हमारी हाउस होल्ड। और रीडिंग के हिसाब से बताऊं तो चैप्टर 21 है आपकी मैनकिव का, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस। ठीक है, तो आइए एक बार हेडिंग लिख लेते हैं। तो ये हो गई क्लास नंबर 16, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए सेमेस्टर 1 की। ठीक है, तो ये यूनिट 3 है हाउस होल्ड, और मैंने बता ही दिया चैप्टर 21 आपका मैन केव में आ जाता है, अगर रीडिंग के हिसाब से बताऊं। और ये है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस। तो इसमें सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, बजट कंस्ट्रेंट। थोड़ा थोड़ा आपका जो बचपन में पढ़ा है, मतलब 12वीं में जो पढ़ा है, उसका थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग होगी, फिर वही एडवांस लेवल पर जाता जाएगा। तो वही लिख लेते हैं हेडिंग, बजट कंस्ट्रेंट। तो ये आप सभी को बताया बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है। जैसे अगर मैं मान लूँ इनकम आपकी 500 रुपये है, ठीक है, प्राइस ऑफ गुड एक्स कितना ले, 10 रुपये ले लेता है, प्राइस ऑफ वाई ले लेता है 20। और तो इसका अगर हम बजट कंस्ट्रेंट बनाना चाहें, इसका क्या बनेगा, एक तो पी एक्स इंटू एक्स। पी एक्स क्या है हमारा, 10x, जो क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स है, और यहीं पे फिर क्वांटिटी ऑफ गुड वाई ले लेंगे 20y। और ये कंस्ट्रेंट है, तो इसमें ना लेस देन इक्वल टू आएगा। लेस देन इक्वल टू कितना होगा, मैक्सिमम इनकम आपकी जितनी है 500 रुपये। अगर बजट लाइन होती तो इक्वल टू लेता, पर ये कंस्ट्रेंट है, इसका मतलब कहाँ तक आप पैर फैला सकते हो। तो यहीं पे अगर मैं ग्राफ से दिखाऊं तो ये आपका लाइन बन गई बजट कंस्ट्रेंट की। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम अपॉन पी वाई आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एम अपॉन पी एक्स। ठीक है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। और ये जो आपका ये सारा है, इससे इधर उधर, मतलब कोई से भी पॉइंट में जो आपका कंज्यूमर है उसके बजट में आ जाता है। इसके बाहर वो जा नहीं सकता क्योंकि इनकम से ऊपर जा रहा है, पर इसके अंदर वो कुछ भी खरीद सकता है, इसलिए लेस देन इक्वल टू का यहाँ पे साइन आया। अब यहीं पे अगर आप चाहे स्लोप कैसे निकाला जाए इसका, तो स्लोप कैसे निकालोगे, नॉर्मल स्लोप क्या होता है भाई, डी वाई बाई डी एक्स है ना। तो या तो डायरेक्ट ऐसे इक्वेशन से कर लो, ये पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एम माइनस पी एक्स इंटू एक्स, या ऐसे कर लो ये डायरेक्ट, मतलब इसे भी सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू एम अपॉन पी वाई माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई इंटू एक्स, और आपका कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। लिख के दिखा देता हूँ, एम अपॉन पी वाई माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई इंटू एक्स, और कोफिशियंट ऑफ एक्स का क्या क्या होगा आपका, स्लोप। ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया, और ये जो दूसरा वेरिएबल था उसका जो कोफिशियंट है वो आपका स्लोप हो गया। तो स्लोप क्या हुआ, माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई, या वैसे निकाल लीजिए एक्स का वो वाई का इंटरसेप्ट रख दीजिए पहले एम अपॉन पी वाई, फिर उसके नीचे क्या आएगा, एम अपॉन पी एक्स, एम से एम कट जाएगा, ये ऊपर आएगा, नेगेटिव साइन, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, कैसे भी स्लोप निकाल लीजिए, जैसा भी आपको मन करे। ये ऐसे ही मैंने बता दिया, ये आप सभी को पता होगा। तो आइए थोड़ी इंग्लिश में डेफिनेशन भी देख लेते हैं भाई इसकी। तो बजट कंस्ट्रेंट रिप्रेजेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज विद हिज गिवन मनी इनकम एंड एट गिवन प्राइसेस ऑफ गुड्स। इक्वेशन ऑफ बजट कंस्ट्रेंट कैन बी रिटन एज दिस, ये जो मैंने दिखाई है, मतलब वो ये वाली है, यहाँ पे बस पी एक्स पी वाई आ जाएगा और यहाँ पे एम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पी एक्स पी वाई और यहाँ पे एम आ जाएगा, और स्लोप हमने बता दिया, स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, माइनस ऑफ प्राइस ऑफ गुड एक्स अपॉन प्राइस ऑफ गुड वाई। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन की एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन भी की जा सकती है कि ये एक रेट को मेजर करता है जिससे कंज्यूमर एक गुड को एक्सचेंज कर सकता है फॉर अदर गुड इन द मार्केट। ठीक है, एक इंटरप्रिटेशन ये हो गई, इट मेजर द रेट एट विच कंज्यूमर कैन एक्सचेंज वन गुड फॉर अदर अनदर वन इन द मार्केट। और दूसरी क्या हो गई, इट ऑल्सो मेजर्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड एक्स विच मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ गुड वाई दैट हैज टू बी गिवन अप इन ऑर्डर टू कंज्यूम एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। दोनों बात सेम ही है, अलग उससे बताई गई है शब्दों से, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के उससे बताया, एक रेट बताया। ठीक है, पर मतलब उसका वही बैठ रहा है। तो मैं चाहूँ तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, पी एक्स अपॉन पी वाई, या इसे ऐसे लिख दूँ, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, दोनों की बात, दोनों का मतलब एक ही है। तो अब बजट कंस्ट्रेंट तो हो ही गया, अब आपको दूसरी चीज़ याद आ रही होगी, इसके साथ हम क्या पढ़ते थे, इनडिफरेंस कर्व। तो इसे या तो कह लो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेफरेंस या इनडिफरेंस कर्व, या IOC, IC कह लो। ठीक है, तो क्या होता था इनडिफरेंस कर्व, डेफिनेशन आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से सटवाई गई होगी। इनडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट दैट प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब एक कर्व होता है और उसमें
हर एक मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं उनकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल होती है सारी कॉम्बिनेशन की सेम होती है। अब इसमें क्या होता है, जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो तो हमेशा सेम रहेगी, बट जो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, 10, 25, 15 ऐसे करके वो कॉम्बिनेशन चेंज हो सकते हैं, एक गुड आगे पीछे, मतलब नंबर्स आगे पीछे, पर सेटिस्फेक्शन उनकी सेम रहने वाली है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है आपका इंडिफरेंस कर्व का, ये कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड है। ठीक है, तो पहली अजम्पशन क्या होती है, रेशनैलिटी। तो इसमें रैशनैलिटी में ये आता है कि जो हमारा कंज्यूमर है वो एक रैशनल डिसीजन लेता है और वो ही बंडल परचेज करेगा जिसमें उसे मैक्सिमम यूटिलिटी मिल रही है। दूसरा आ जाते हैं, दूसरा आ गया आपका ट्रांजिटिविटी। तो ये मैथ्स में ही पढ़ा होगा आपने कि अगर ए और बी के बीच में वो इंडिफरेंट है, बी और सी के बीच में अगर वो इनडिफरेंट है, तो इसका ये इम्प्लाई करता है कि वो ए और सी के बीच में भी इनडिफरेंट होगा। ये ट्रांजिटिविटी का अजम्पशन है। और तीसरा आ जाता है आपका मोनोटोनोसिटी। मोनोटोनोसिटी इसका मतलब ये है कि ज़्यादा प्रेफर रहेगा और एम यू जो होगी मार्जिनल यूटिलिटी वो आपकी पॉजिटिव होगी। अगर लेस प्रेफर करोगे इसका मतलब वो बैड है, वो गुड नहीं है। तो आइए अब पढ़ लेते हैं अपना प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व की अब प्रॉपर्टी जान लेते हैं, ये अजम्पशन पता लग गई, अब प्रॉपर्टी जान लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है जो आपका आईसी कर्व होता है, और ये किस चीज़ के अजम्पशन पे बेस्ड होता है, मोनोटोनिसिटी के, दैट इज मोर इज बेटर और मोर इज प्रेफर्ड। तो इस प्रकार से आईसी बनता है, और यहाँ पे गुड एक्स आ जाता है, यहाँ पे गुड वाई आ जाता है। ये आपको पता होना चाहिए जब ग्राफ बनाते हैं ना कि एक्स और वाई पे क्या ले रहे हैं, तो ये साथ साथ लिखते रहिए। मेरे को तो ऐसे याद है, तो इसलिए मैं कभी कभी भूल भी जाता हूँ लिखना, पर आप हमेशा क्या कहते हैं, गुड वाई यहाँ पे है, तो ये पूरा पूरा लिखिए, तभी जाके आपकी प्रैक्टिस स्टार्टिंग में बहुत अच्छी हो जाएगी और एग्जाम में भी बहुत सहायतामंद रहेगा। वरना एग्जाम में ना बच्चे ये भूल जाते हैं, एक मतलब ग्राफ बना देंगे एक्स और वाई पे लिखना ही भूल जाते हैं क्या चीज़ था, और वहाँ पे फिर मार्क्स उनके चले जाते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाता है भाई ये कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन के, ये आप सभी ने पढ़ा हुआ है। और इसका ये किस लिए क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब एम आर एस की डेफिनेशन आपको याद हो तो एम आर एस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ गुड वाई दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप इन ऑर्डर टू कंज्यूम एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स सो दैट यूटिलिटी कॉन्स्टेंट रहे। मतलब वो गुड वाई की एक अमाउंट के लिए मतलब जो गुड वाई है उसे कितना गिव अप करने के लिए विलिंग है इन ऑर्डर टू कंज्यूम एक एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, ताकि उसकी जो यूटिलिटी है, जो टोटल यूटिलिटी है वो सेम रहे। और एम आर एस आप सभी को पता होगा स्लोप ऑफ आई सी होता है, और ये इक्वल टू किसके होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये डेफिनेशन से ही आपको पता लग रहा होगा, या डी वाई अपॉन डी एक्स लिख लीजिए। और ये इसके भी बराबर होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। इसे मैं बता देता हूँ कैसे, शॉर्ट में बता देता हूँ ये कैसे आया। तो चेंज इन टीयू कितना होगा, एक्स के टर्म्स में निकाले तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इंटू चेंज इन गुड एक्स है ना, इसे वन ले लेते हैं। उसी प्रकार से वाई के टर्म्स में निकाल लो क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन चेंज इन वाई, ये टू हो गया। अब कुछ नहीं करना, वन में से टू को माइनस कर दो, यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, तो ये क्या होगा, एम यू एक्स डेल्टा एक्स इजिकल टू एम यू वाई, यहाँ से माइनस होगा, इक्वल टू में जीरो था वो वहाँ चला गया, एम यू वाई डेल्टा वाई। ठीक है, तो अब ये किसके इक्वल आ गया, एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई इजिकल टू माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इजिकल टू एम आर एस। तो इस प्रकार से ये वाली क्या कहते हैं, इक्वेशन आ गई। अब मान लो जैसे आपको फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है यू एक्स वाई एक्स इंटू वाई, अब इसमें आपको निकालना है एम आर एस कितना होगा। तो इसमें एम यू एक्स कितना हो गया आपका, यहाँ से एक्स के उससे डेरिवेट कर दो, ये वन हो जाएगा, वाई बच गया सिर्फ, और एम यू वाई क्या हो गया एक्स, एम आर एस क्या होता है, एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई इजिकल टू वाई बाय एक्स। तो कुछ इस प्रकार से आपका आ जाएगा। और ये कौन सा पढ़ाया था मैंने, हाँ कॉन्वेक्स वाला। तो ये तो पहला रीजन हो गया, दूसरा रीजन ये भी होता है कि कॉन्वेक्स क्यों होता है, बिकॉज एवरेजेस आर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, प्रिफर्ड ओवर एक्सट्रीम्स, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस चक्कर में भी ये क्या कहते हैं,
कॉन्वेक्स होता है टू द ओरिजिन। अगर आप ऐसे जैसे यू वही मान लो ग्राफ वही ले लेते हैं फंक्शन यू इज इक्वल टू एक्स वाई का, तो इसका ऐसे इज इक्वल टू 100 रखना पड़ेगा। हाँ तो क्योंकि यूटिलिटी सेम रखनी पड़ेगी ना सारे इस पर। तो ये हो गया आपका, एक तो बनेगा आपका 20 और 5 का, और यहीं पे एक और बना लो यहाँ पे 20 यहाँ पे 5। अब इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो बीच पॉइंट अगर इनका निकाले तो क्या आएगा 12.5 12.5। तो जो कि अगर आप यूटिलिटी पे देखेंगे मतलब इंडिफरेंस कर्व पे हायर इंडिफरेंस कर्व पे लाई करता है। तो ये दूसरा रीजन है, मतलब ये ऐसे मैं समझाने के लिए बता दिया, पर इसलिए क्या कहते हैं जो आपके एवरेजेस होते हैं वो एक्सट्रीम से प्रिफर्ड होता है, इस चक्कर में ये कॉन्वेक्स होता है टू द ओरिजिन। और कितनी हो गई, दो। तीसरी आपकी वो आ जाती है कि आईसी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ये आपने समझ में पढ़ ही रखा है, आईसी के नॉट टू आईसी के नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। और ये क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ एन अजम्पशन ऑफ ट्रांजिटिविटी। अगर दो आईसी इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो ये जो ट्रांजिटिविटी की अजम्पशन हम लेके चले हैं वो वैलिड नहीं रहेगी। एग्जाम्पल चलो मान लो मैं करा देता हूँ, मैं दिखा भी देता हूँ एग्जाम्पल से कैसे। एक आईसी ये हो गया, एक आईसी ये हो गया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए और बी की दोनों की सेम रहेगी, मतलब ए और बी के बीच में जो कंज्यूमर है वो इनडिफरेंट रहेगा सेम आईसी पे, और ए और सी के बीच में भी क्या कहते हैं सेम आईसी पे पड़ रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो इन दोनों के बीच में भी वो इनडिफरेंट रहेगा। पर क्या हम अगर लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी अगर हम यहाँ पे लगाए तो इसका मतलब क्या है, बी और सी के बीच में भी वो इनडिफरेंट रहना चाहिए, पर वो नहीं हो सकता क्योंकि एक में उसे अलग यूटिलिटी मिल रही है और एक में अलग मिल रही है। तो ये वाला जो ट्रांजिटिविटी का लॉ है ये इसका फेल कर जाता है यहाँ पे। और लास्ट आपकी आ जाती है हायर आई सी रिप्रेजेंट हाई सेटिस्फेक्शन, मतलब जितना ऊपर आई सी होगा उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी। तो इसमें क्या है, जो मोनोटोनिसिटी की अजम्पशन है कि मोर इज प्रेफर्ड, उसके कारणवश ये वाला होता है, क्योंकि एट एनी कॉम्बिनेशन ऑन हायर आई सी देर विल बी मोर ऑफ एटलीस्ट वन कॉमोडिटी, चाहे दूसरी इक्वल हो पर एक ज़्यादा जरूर होगी। यहाँ पे भी अगर देख लेंगे तो ये पहला आई सी है एक इससे ऊपर वाला, तो यहाँ पे ये वाले जो गुड बाय है वो सेम है पर यहाँ पे ये बढ़ जाती है। और जो मोनोटोनिसिटी की अंदर अजम्पशन है उसके माध्यम से आपका क्या कहते हैं वो मोर ही प्रेफर करेगा, इस चक्कर में वो हमेशा हायर आईसी पे जाना चाहेगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही था, नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं शेप्स ऑफ आईसी। आशा करता हूँ आपको सभी कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद इतने प्यार से और देखने